नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्मार्ट न्यूज चैनल में। भोपाल के नवोदय स्कूल में रात भर के 24 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए, सभी को स्कूल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 4,755 पॉजिटिव मामले मिले, एक्टिव केस 21,394 हो गए, पॉजिटिविटी रेट 6% पहुंच गई है। प्रदेश में 33 मरीज आईसीयू में एडमिट है। जी हाँ, भोपाल में गुरुवार को 1,008 नए केस मिला, इसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, 1 से 18 साल के 73 बच्चे, 61 से अधिक उम्र के 72 बुजुर्ग और 10 डॉक्टर भी शामिल है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, अब प्रदेश के सभी स्कूल को 31 जनवरी तक के लिए बंद करने का निर्णय ले लिया गया है, यानी 31 जनवरी तक सभी स्कूलें पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही सरकार ने कहा है कि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने ये कठोर कदम उठाया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही आंकड़ों में गिरावट या कमी देखने को मिलेगी, एक बार फिर से स्कूल और कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।